please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Naam Nirmal Singh Bhangoo, umr 61 saal, pesha doodh bechne se shuru hua aur pahuncha 183,000 acre zameen tak. Aarop fraud karke CIS Ponzi scheme chalane ka aur takriban 5,000 crore ko isse thagne ka. Haliya sthiti tihar jail. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह. स्वागत है आपका रियल्टी टॉक के एक और एपिसोड. आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाला हूं निर्मल सिंह भंगू के बारे में और सुनाऊंगा भंगू की पूरी कहानी. भंगू का नाम आजकल सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि हर न्यूज चैनल और हर अखबार में इनका नाम आ रहा है. आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन आज हम आपको भंगू की पूरी कहानी सुनाएंगे कि कैसे इसने अपने करियर की शुरुआत दूध बेचने से शुरू करी थी और ये जा पहुंचे 70,000 करोड़ की संपत्ति तक और कैसे अब करियर खत्म हुआ है तिहाड़ जेल में. भंगू को देख के एक बात तो पता चलती है कि बुरे काम की उम्र कितनी भी लंबी हो वो खत्म जरूर होती है और वो खत्म सलाखों के पीछे ही होती है, जैसे भंगू की भी. निर्मल सिंह भंगू का जन्म हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे पंजाब के छोटे से गाँव अटारी में हुआ. वैसे तो इनके बचपन की बहुत कहानियां हैं लेकिन कोई भी पुख्ता नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं है कि विश्वसनीय हो. एक विश्वसनीय कहानी है जिसमें यह बताया जाता है कि जब भी बड़े हुए तो इन्हें कोई काम नहीं समझ आया तो उन्होंने दूध की डेयरी खोल ली अपने घर में और ये पूरे गांव को दूध बांटने लगे. लेकिन भंगू के सपने बहुत बड़े थे. भंगू ने दूध बांटते बांटते सोचा कि इससे वो आगे नहीं बढ़ सकते, जो उनके सपने हैं वो यहीं तक सीमित रहेंगे. भंगू के सपनों की उड़ान उसे ले पहुंची कलकत्ता की पीएसएल कंपनी के पास, जहां उसने काम करना शुरू करा 250 रुपए महीने पर. उस समय पीयरलेस कंपनी का नाम पूरे देश में बहुत ऊंचाई पर था. सब लोग पीयरलेस के बारे में जानना चाहते थे, पीयरलेस में काम करना चाहते थे. भंगू ने भी काम करना शुरू करा लेकिन कुछ वक्त बाद ही भंगू ने पीयरलेस को छोड़ दिया. पीयरलेस के साथ ही भंगू ने एक और कंपनी में काम किया था जिसका नाम था गोल्फ फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड. ये कंपनी पंजाब की थी. कहने वाले कहते हैं कि भंगू ने पोंजी स्कीम इन्हीं दो कंपनियों से सीखी थी और जिसे वो आगे बढ़ाता चला. आज निर्मल सिंह भंगू के पास देश विदेश में मिलाकर इतनी जमीन है कि अगर सारी जमीनों को एक जगह करा जाए तो वो कुल मिलाकर भारत के कई राज्यों से बड़ी है. कैसे करा भंगू ने इतने बड़े एम्पायर का निर्माण, कैसे बनाया अपने बिजनेस को इतना बड़ा? भंगू ने सबसे पहले 1980 में पीजीएफ ग्रुप की नींव डाली. पीजीएफ यानी कि पर्ल्स गोल्ड फॉरेस्ट, ये भंगू की स्कीम थी. इसके बाद 13 फरवरी 1996 को नींव डाली थी भंगू ने पीएसीएल ग्रुप की, जिसकी वजह से आज भंगू विवादों में है और चर्चा में. आज के इस एपिसोड में बस इतना है लेकिन मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि भंगू कैसे एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया और अपने बिजनेस एम्पायर को इतना बड़ा बना. लेकिन फिर भी आज वो तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे. और भी कई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाइए कि जैसे ही अगली वीडियो आएगी आपको पता चलेगा. तब तक के लिए नमस्कार.